जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर फैरोज अजीज नासिक महाराष्ट्र से। मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, दर्द मुक्ति की कहानी पेशेंट की जुबानी। तो इस सीरीज में आज हमारे साथ एक नए मरीज जुड़े हैं जिनको पोस्ट चिकनगुनिया पेन है, उंगलियों में दर्द है, छोटे जोड़ों में दर्द है, सुबह के वक्त मुट्ठी नहीं बनती है इनकी, इनको डायबिटीज है, उसके वजह से इन्हें फ्रोजन शोल्डर हुआ है, इनके सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, थोरासिक में प्रॉब्लम है। तो इनको किस तरीके से ट्रीटमेंट दी गई, इनको कितना फायदा हुआ है, 3 से 4 दिन का जो है मैं आपको रिकॉर्डिंग बताता हूँ, पेशेंट से आपकी मुलाकात कराता हूँ। तो आप देखिए, पेशेंट के हिसाब से उसे 70-80% रिजल्ट मिला है, मगर एज ए डॉक्टर मुझे लग रहा है कि 50-60% है और मुझे उन्हें धीरे धीरे 100% की तरफ लेके जाना है। तो आइए देखिए। दोन्ही हाताचे बोट दुखतात, देखिए थर्ड ट्रीटमेंट में शोल्डर फ्री हो गया है, दोनों हाथ ऊपर जा रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आगे की तरफ तो ताली बड़े मुश्किल से मारता है पर पीछे नहीं मार पाता। ये देखिए, इनकी शुरुआत तो हो गई है, कुछ परसेंट शुरुआत हो गई है, पूरे ठीक हो जाए। अच्छा, कितनी आपकी थेरेपी? आज 5 4 ट्रीटमेंट झाले आपले, है ना? 4 ट्रीटमेंट झाले, आता 5th ट्रीटमेंट आपल्या स्टार्ट होईल। बोटांचं कसं आहे तुमचं? चांगलं वाटतं। बोटांना चांगलं आहे ना पूर्वीपेक्षा? छोटे छोटे सांधे दुखायचे ते बरे येतात। खूप दुखायचं ना, इथे असा आवाज यायचा, आता तो बंद झाला आवाज, बंद झाला। मूठ वगैरे आवडायला पण आता त्रास होतो, त्या दिवशी तुमची मूठ पण अशी बंद होत नव्हती। आणि खूप दुखायचं ना, हे हा एवढा खांदा आहे ना, एकदम असं अकडून असं ओढून धरायचं। आता थोडस म्हणजे रिलॅक्स झाला, कारण तुम्ही फ्रेश वाटताय, कारण शरीरामध्ये दुखणं असलं का चेहऱ्यावर लगेच जाणवतं। आणि थकवा यायचा जास्त, असं फ्रेश वाटतं, फ्रेश वाटतं, बरं वाटतं।